नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली। 50-50 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सरेंडर ना किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एक लीडर की अदालत को सियासत की नजर किया जा रहा था। ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि नवाज शरीफ की सेहत को खतरा है। नवाज शरीफ की सेहत मुतासिर हो रही थी। उम्मीद है अपील में भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ दरख्वास्त मंजूर होने के बाद मरियम नवाज भी मैदान में आ गई। अल्लाह करीम। मरियम नवाज का ट्वीट। ख्वाजा आसिफ ने भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर ट्वीट कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह का बड़ा करम है, मियां साहब की जमानत हुई। नून लीग ने अदालत के फैसलों का हमेशा एहतराम किया। मियां साहब घर आएंगे तो उनके इलाज पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं। वो मुस्तकिल भी जाना चाहते हैं तो उसका हल भी है। वो देखे पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें और फिर देख लेते हैं। प्ली बार्गेन का एक पूरा कानून मौजूद है। अदालती फैसला कबूल करते हैं, नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं तो आवाम के पैसे वापस करें। वज़ीर-ए-इत्तला'आत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बीमारी नहीं, जेल के अंदर टेंशन है। फवाद चौधरी का तंज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। आर्मी चीफ का चौथी पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का खिताब। आर्मी चीफ की मुल्की सिक्योरिटी सूरतेहाल पर गुफ्तगू। कहा पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के हसूल के लिए पुरअज़्म है। और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए भी अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। हुकूमत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान।